चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये ट्रिकी तुक्का एग्जाम में कैसे लगाए, क्या तुक्का एग्जाम में कैसे लगाएं, या तुक्का कब लगाना चाहिए, या तुक्का कौन से साथी लगाते हैं, या तो दोस्तों तुक्का में 100% 99% सक्सेस के लिए या सही तुक्का लगाने के लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी उसमें बताया हूँ और इसमें भी 100% राइट है, जो बताऊंगा 100% राइट है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यूपी टेट कट ऑफ 2019 के बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ कैटेगरी कट ऑफ मार्क और मिनिमम टोटल मार्क्स आउट ऑफ 150, जैसे आपको पता है आपका जो यूपी टेट का पेपर होता है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 230 मिनट्स होते हैं, और पर क्वेश्चन कितने एक नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों, एक नंबर का होता है, ठीक, 150 क्वेश्चंस और 150 नंबर के। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में। तो दोस्तों 60% और कट ऑफ नंबर की मार्क है। दोस्तों, इस वीडियो में दो पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। पहला पॉइंट है 2019 की कट ऑफ और दूसरा पॉइंट है आपकी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोनों पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका एडमिट कार्ड भी आ गया, आप सभी लोग डाउनलोड करते हैं इसकी, आप इसीलिए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल की कट ऑफ थी 90, कितनी 90, और अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब ओबीसी की कास्ट थी आपकी 82, ठीक है दोस्तों। ये 2019 की बात करें, 2021 की भी एक्सपेक्टेड अभी बताऊंगा इसी के साथ। फिर शेड्यूल्ड कास्ट एसटी एससी की कास्ट थी, इसके कट ऑफ मार्क थे 55%, मार्क 82, और मतलब इन तीनों की सेम थी। फिर इसकी आती है एसटी की तो 55%, मार्च 82, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई आपकी 2019 की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी, 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तो यूपी टेट में तुक्का कब लगाए या कैसे लगाए इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों, इसकी 2021 में एक्सपेक्टेड आ सकती है इसकी दोस्तों आपका कितना मार्क लगभग होना चाहिए, 90 से 95 के बीच में। फिर इसका 82 से ऑलमोस्ट 87, ये दोस्तों क्या 87 तक आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इसका भी लगभग सेम ही होना चाहिए, 82 से 87 और 82 से 87 लगभग इतना तो है। और इसका 90 से 95, जनरल ईवीएस अब तो कुछ शायद इसका कम भी हो सकता है, लेकिन इसका लगभग थोड़ा ही एक दो अंतर का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं, एक दो नंबर का डिफरेंस रहेगा, लेकिन इतना दोस्तों आपको लगभग स्कोर करना होगा। कितना, इतना एक्सपेक्टेड कितनी है, जनरल की हो सकती 90 से 95, ओबीसी की हो सकती है आपकी 82 से 87, और एससी की हो सकती 82 से 87, एसटी की भी हो सकती 82 से 87। तो दोस्तों, अगर आपने तुक्का लगाने वाला वीडियो नहीं देखा है और तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।